आप कोडिंग किए बिना भी वेब पेज बना सकते हो, यह तो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था। लेकिन उस ट्रिक की मदद से आप सिर्फ वेब पेज ही बना सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहाँ से आप कोडिंग किए बिना ही वेबसाइट बनवा सकते हैं। यह वेबसाइट की मदद से आपको खुद को वेबसाइट बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की मदद से आपकी वेबसाइट आसानी से बन जाएगी। बस आपको आपकी वेबसाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी रहेगी। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बुकमार्क। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके bookmark.com वेबसाइट पर क्लिक करना है। यही है वो वेबसाइट जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था। अगर आप चाहे तो यहाँ वॉच द वीडियो पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं जिनमें इन्होंने अपनी वेबसाइट के बारे में बताया है। अगर नहीं तो आप यहाँ गेट स्टार्ट पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट बनवाना शुरू करवा सकते हैं। मैं यहाँ गेट स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तब आपको bookmark.com पर अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि आपका फुल नेम, आप जिस ईमेल एड्रेस से अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं वो ईमेल, और अपने bookmark.com के लिए एक पासवर्ड। इतनी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपको साइन अप पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ी प्रोसेस होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्रिएटिव एंड पर्सनल कैटेगरी को चूज करता हूँ, उसमें मैं ग्राफिक डिजाइनर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस का नाम एंटर करना है, अगर आप चाहे तो फेसबुक से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यदि आपका व्यवसाय नीचे दी गई सूची में दिखाई देता है तो उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद अपने बिजनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करें, जैसे कि हम अपनी वेबसाइट का नाम जो रखना चाहते हैं वो नाम, बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस किस शहर में है वो शहर का नाम, बिजनेस का ईमेल एड्रेस, बिजनेस का फोन नंबर, बिजनेस कौन से देश में है वो देश का नाम, और आपका बिजनेस कौन से सोशल मीडिया पे अवेलेबल है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट का लिंक। अगर आप अपनी वेबसाइट का लोगो बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके बदल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी वेबसाइट का गोल क्या है वो सिलेक्ट कर, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी वेबसाइट के क्या फीचर है वो सिलेक्ट कर, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी वेबसाइट की थीम सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस भी इमेज को अपनी वेबसाइट में एज अ बैकग्राउंड इमेज रखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको पूछा गया है कि आप अपनी वेबसाइट खुद बनाना चाहोगे कि किसी को हायर करना चाहोगे। आपको यहाँ पर डू इट योरसेल्फ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको अब थोड़ा वेट करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी वेबसाइट बन रही है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेस हो जाएगी तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको लेट्स गेट टू वर्क पर क्लिक करना है और यह आपको अपनी कंपनी का नाम टाइप करना है और जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट पर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करनी है। यह सब हो जाने के बाद आपको अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए पब्लिश बटन पर क्लिक करना है और कुछ ही मिनटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी।
अगर आपको वेबसाइट बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।